चीन और हमारा एक भारतवर्ष सचमुच ऊपर होगा। और विश्व गुरु हम हथियार के बल पर नहीं थे, धन के बल पर नहीं थे, विश्व गुरु हम अपने ज्ञान के और संस्कार के बल पर थे। वो आएगा तो यही लागू करिए अपने घर में। थोड़े बड़े हो गए शरमाएंगे, लेकिन प्रणाम करो ठीक है, प्रणाम होगी ऐसा नहीं, डट मत करो, डट मत प्रणाम करो, ऐसा करें। नेक्स्ट द ग्रेट कॉमेडियन सुनील पाल जी कॉमेडी किंग हमारे बीच में मौजूद हैं। मैं चाहूंगा वो सतगुरु भगवान जी से मैंने कल बताया था कि मुझे दिल्ली और मुंबई से डर लगता था पहले, और मैं 15 साल तक दिल्ली नहीं गया था, वहां से 100 किलोमीटर दूर रहते हुए भी, बतावर में रहते हुए भी, क्योंकि लगता था काफी बिजी लोग हैं और इतने व्यस्त हैं कि अस्त व्यस्त है, तो अस्त व्यस्त लोगों के बीच मैं भी जाऊं। लेकिन ये मुंबई माया नगरी है, और माया नगरी का अर्थ होता है माया भगवान की दासी है, भगवान को मायापति कहते हैं। तो माया नगरी में रहने वाले लोग अगर मायापति से अपना रिश्ता जोड़ लें तो ये माया उनके जीवन को और बदल देगी, आनंदित कर देगी। मायापति से रिश्ता होगा जी जरूर। सब ज्योतिषियों की तरफ से मुझे बोला गया है कि आपके गुरुजी आए हैं वहां पर, उनसे ये पूछा गया है। जरा मैं जी कुछ उन्होंने बोला गुरुजी ज्योतिष के लिए या ज्योतिषियों के लिए कुछ अच्छा नहीं बोलते, जरा गुरुजी से पूछ के। हम लोग कोई भी नहीं है, ये विजय जी ने कुछ दिन पहले मुझे कहा कि आयोजन करना है, मैंने कहा ठीक है बहुत अच्छी बात है। फिर बीच में कुछ ऐसे बदलाव आए कि हम डेट चेंज करना चाहते थे, और बेसिकली मैं ही कर रहा था ये कार्यक्रम, और कोई नहीं कर रहा था, मैं अकेला ही कर रहा था। तो ये विजय जी ने डेट नहीं चेंज करने दी मुझे, तो फिर हमने कहा ठीक है चलो अभी हम लोग शेयर कर लेते हैं। तो कल मिस्टर खोसला ने कर लिया एम्पायर हाइट्स में, आज हमारे भाई प्रकाश जी ने कर लिया ऐसे मिलकर के, कल हमने उनको 7 दिन में और परसों जो भी है ऐसे डिवाइड कर लिया। देखिए ऐसा है कि गुरु महाराज जी की बिना किसी गुरु महाराज के जीवन किसी काम का नहीं है। जिसको अगर किस मार्ग चाहिए, अगर किसी को किसी अच्छे रास्ते पे चलना है तो गुरु की कृपा से, गुरु के मार्गदर्शन से ही हो सकता है। तो हम लोगों ने इसका जो है कोशिश किया मिलकर सब लोगों ने। मैं 3 से गुरु जी के साथ हूँ, कल रात को भी मैं यहाँ से निकला हूँ 2 रात को, जो मेरी सिस्टर हैं हम लोग, तो इसलिए क्योंकि है होता नहीं, क्योंकि क्या है कि ये इतना हमने प्रयास किया, इतना अच्छा आजकल इतना अच्छा बढ़िया इनके कारण म्यूजिकल प्रोग्राम भी हो गया, इतना अच्छा इन्होंने अरेंजमेंट किया। कल मिस्टर सुनील खोसला ने किया उनके यहाँ पर, और परसों हम लोगों ने, मगर 3 दिन मैं साथ ही था गुरु जी का, भी बोल के घर पर आ जाओ। तो वो ऐसा है कि करने वाले वही हैं, हम कोई एक साधन है। हाँ, बिना किसी के गाइडेंस के, बिना किसी के मार्गदर्शन के कोई आदमी नहीं सफल हो सकता अपना जो है। अगर किसी को सफल होना है, और अभी कई चीज़ें पता लगी हैं कि खुशी जीवन में ही है, खुशी तो जीवन में है, सक्सेस भी है वो भी खुशी में है। कई चीज़ें ऐसी हैं जो हमें बिल्कुल भी अज्ञानी वाली बातें थी, गुरु जी के आने पर हमें चीज़ें अच्छी पता लगी हैं। वैसे हमारी सिस्टर टाइम टू टाइम हमें दीदी रेखा दीदी हैं, ज्ञान की बातें सब हमें सिखाती रहती हैं। बट ये है कि बिना गुरु के गति नहीं, गुरु ही जरूरी है, इसीलिए हम लोगों ने ये रास्ता भी अपनाया है, और हम लगता है हम इसमें निरंतर करेंगे, कुछ प्रयास करते रहेंगे। और हमने अभी कल ही रात को गुरु जी को कहा कि एक धार्मिक किताब निकालेंगे, महा विश्व गुरु नाम की एक धार्मिक किताब निकालेंगे, वो भी हमसे कल डिस्कशन हुआ। और आज भी अभी बोलते जाते हम बोलते गए गुरु जी तू आ जा वहाँ पे, तो स्नेह है कोई पिछले जन्म का होगा जो हम लोग इस लायक तो नहीं है समझते अपने को, मगर गुरु के अपने जो है पच्चीनों पे चलकर शायद कहीं ना कहीं पहुंचे, अभी तो तक कहीं पहुंचे नहीं। ये पहले गुरु है आपके बनाए आपके जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, कोई गुरु नहीं हमारा, हमारे बिल्कुल पहले गुरु हैं। और अभी इनको बल्कि ऑफिशियली जाके घोषणा वृंदावन में जो उनका मेरी दीदी वहाँ पे, इनका भी वृंदावन में और गोवर्धन में है, इनका भी आश्रम है दीदी का, तो अभी वहीं पर कुछ ऐसा ही कुछ थोड़ा समय निकाल के, थोड़ा सा समय निकालते रहेंगे, अगर महीने में 2-3 दिन भी तो निकाला करेंगे, क्योंकि
अगर कुछ अभी उम्र क्या चीज देखी गुरु गुरु में अपने की गुरु बनाए बड़े 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 सच्चे लगे इंसान, बड़े रियलिस्टिक लगे और बड़े नेचुरल लगे, क्योंकि कोई ना आजकल के जो गुरु हैं कहीं बनावट लगती है शब्दों में, कुछ ऐसी बातें करते हैं, और इनकी इनकी इनके अप्रोच में ऐसा लगा कि ये बड़े टू द हार्ट सीधा बात करते हैं, और बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं ये महसूस करता हूँ कि अगर इनके बताए हुए रास्तों में चलेंगे तो शायद कहीं ना कहीं हम भी जो भटके हुए इंसान हैं पहुँच जाएंगे। जी जी, देखिए ऐसा है, मैं वैसे तो पिछले 40 सालों से पत्रकारिता कर रहा हूँ और बड़े अप्स एंड डाउन देखे हैं लाइफ में। अब ये मुझे 3 दिनों में जो मुझे आनंद कल से उन्होंने जो स्पेशली कहा कि जो भी करो आनंद से करो, तो कल ऐसा मैं लग रहा है कि भी अगर उसी चीज़ों की जो उन्होंने बातें बताई हैं, वैसे तो जीवन तो ऐसे ही है, इतनी कब खत्म हो जाए मालूम नहीं, बट ऐसे ही अगर थोड़ा चेंजेस आई ना जीवन में तो डेफिनेटली निरंतर हम हमारी जीवन में भी कुछ ना कुछ चेंज आएगी, डेफिनेटली आएगी। पत्रकारिता के साथ ही ये भी हम उपलब्धि होगी हमारी। जी तो कुछ शब्द मेरे सिस्टर से पूछो, ये बहुत धार्मिक है। ये ऐसे आवश्यकता है कि एक छोटे से उदाहरण से बताती हूँ। एक सब्जी वाला, सुना आप लोगों ने सबना होगा, वो सब्जी तोला करता था एक बाट से। तो एक जौहरी गया, बोले ये मुझे दे दे, तो 50 रुपए का दे दे। तो बोले ये तो पत्थर है, तो 50 रुपए का क्यों ले रहे हो? तो बोले दे दे, लेकिन लिखा पढ़ी में दे, क्योंकि फिर मैं ये वापस नहीं दूंगा। फिर उसने कहा क्यों? फिर उसने बताया, सब लिखा पढ़ी कराई, तो फिर बोला कि ये हीरा है, कोहिनूर हीरा, और कोहिनूर हीरा हमारे अंदर हमारी सांसें हैं। इसको बताने के लिए जिस तरह वो जौहरी था, वो जानता था कि ये कोहिनूर हीरा है, पत्थर नहीं है, ऐसे ही आज तक हम जीवन को भौतिकता में पत्थर की तरह जी रहे हैं, और गुरु ऐसे जौहरी हैं जो हमको बताते हैं कि हम क्या हैं, क्योंकि सृष्टा अंदर है, सृष्टि बाहर है, जानते समय, लेकिन हमको रास्ता, दीपक, ऐसे गुरु दिखाते हैं। और इन गुरु में एक चीज देखी कि बहुत प्रैक्टिकल बोलते हैं, बहुत प्रैक्टिकल बोलते हैं। कबीर जी ने कहा है कि गुरु गोविंद दोनों का क्या उपाय है? बिल्कुल बलिहारी गुरु आपने गोविंद जी बताए, लेकिन कलयुग में ऐसे गुरु कम मिलते हैं। सच्चे नवयुवक को कितना ज्यादा धार्मिक जो ज्ञान है वो जरूरी है, और कितना ज्यादा उस चीज को ग्रहण करना चाहिए? देखो ग्रहण क्या है, सबसे पहले संस्कार हमारे यहाँ से, हमारे परिवार से ही मिलती है। ये गुरु तो अब हैं, बचपन तो माँ बाप ही देते हैं ना। जब संस्कार अच्छे होंगे तो ऐसे गुरु का साथ भी अच्छा साथ देगा। जड़ी नहीं होगी, हमारी जड़ी अच्छी नहीं है दिखाने के लिए भौतिक। अभी आपने देखा ना, गुरु जी ने कितना अच्छा प्रवचन करा, लेकिन लोगों ने धक्का दे रहे हैं, इसको मार रहे हैं, उसको मार रहे हैं, तो क्या सीखा? 5 मिनट में ही देख लो आप। देखिए ऐसा है, ये षड्यंत्र है। 1970 से तकरीबन ये ऐसे कुछ लेखक आए हैं हमारी फिल्म इंडस्ट्री में जिन्होंने इसकी नींव रखी। बड़े बड़े राइटर हैं, नाम नहीं लूंगा यहाँ पे इस मंच पे, क्योंकि धार्मिक पात्रों से अभी हमारे यहाँ से चल रहे हैं। तो निवेदन है ये कि उनकी साजिश पिछले 50 साल से चल रही है, और अभी जाके कुछ दो एक सालों में चीज़ें निरंतर चेंज हो रही हैं, परिवर्तित हो रही हैं, और ऐसी चीज़ें, क्योंकि क्या है, अगर आप फिल्मों में देखोगे तो कई फिल्मों में देखोगे अपना जो शिवजी सेट के बाद जो जैसा पहन शिवजी के बेस में और बाल बीड़ी पी रहे हैं, एक बड़े बहुत बड़े नामचीन प्रोड्यूसर ने उनको भागते हुए दिखाया, एक दूसरे प्रोड्यूसर ने बिना किसी नाम के ही, तो चीज़ें मन ने जो नाम भी क्या डरने क्या नहीं। संजय लीला बंसाली ने दिखाया कैसे राम अपना जो है बड़ा दुर्भाग्य है, फिर वो दूसरा एक और राजू हिरानी जो है पीके में, तो उन्होंने बड़ा ही गलत खेल खेला है। और हम हिंदू जो हैं कुछ कहीं कुछ काफ़ी खुद दोषी हैं। हम हिंदुओं को देखे कि मैं बुर्मा किसी जात को के अगेंस्ट नहीं हूँ, किसी कास्ट के अगेंस्ट नहीं हूँ, बट ये हम ही क्यों टारगेट किया जाता है? बाकी के लोगों को क्यों नहीं टारगेट किया जाता? उनके भी धर्म है, उनके भी धर्म गुरु हैं, उनके भी भगवान हैं, तो उनको टारगेट नहीं करेंगे। हिंदुओं के शिवजी बीड़ी पी रहे हैं, शिवजी भाग रहे हैं, हनुमान जी के साथ ऐसा, ये खलवाड़ वाले जो लोग हैं अब वो थोड़ा समझ जाए, सतर्क हो जाए,
अब उनकी बारी आ गई है, अब उनके भागने के दिन आ गए हैं, भले वो कितने भी कामयाब हो, अब देश की जनता जाग गई है और उनका समय आ गया भागने का। वो चाहे पीके, चाहे पीके हो, चाहे वो राजू हैरानी हो, चाहे वो संजय लीला भंसाली हो, चाहे कितने भी कामयाब हो, इस ये जो धार्मिक चीजें हैं अब नहीं चलेंगी, अब खिलवाड़ नहीं चलेगा, जो कर लिया सो कर लिया, अब नहीं हो पाएगा। ये मेरा खास तौर पे विनम्र निवेदन है, किसी कास्ट के अगेंस्ट नहीं हूं मैं, हम सब खाना मिलकर खाते में करते हैं, हम सब भाई हैं, मगर एक ही धर्म को टारगेट करके उसी को प्रहार करते हैं, ये गलत है। किसी हम सब इकट्ठे हैं, हम एक भाई हैं, एक फैमिली है पूरी फैमिली, फिल्म इंडस्ट्री, मैंने 43 ईयर्स दे दिया फिल्म इंडस्ट्री में, कभी मैंने सोचा नहीं कि ये आप दूसरे धर्म के हैं, मैं किसी दूसरे धर्म को कभी नहीं सोचा है, ना कभी सोचेंगे, मगर हमारे धर्म को, हमारे कास्ट को, हमारी रिलीजन को टारगेट करेंगे तो अब हम लोग नहीं सहेंगे। प्लीज, रितेश्वर जी का यहाँ पर आगमन हुआ, उनके आने से, उनकी वाणी से, उनके शब्दों से आज बहुत ही अच्छा लगा, हम लोग कृतार्थ हो गए, उनका आशीर्वाद मिला। मैं भी बस यही कहूँगी कि गुरु जी ने हम सबके जीवन पे जो प्रभाव डाला है अपनी बातों से, अपने प्रवचनों से, उसका हम सबके जीवन पे मानो या ना मानो असर है और होगा भी, क्योंकि वो बातें दिमाग को छू कर अंदर तक गई हैं, और एक सदगुरु मिल गए जीवन में और क्या चाहिए, जीवन में किसी न किसी गुरु की ज़रूरत है, वो मिल गया तो जीवन आधा तो वैसे भी सफल है, क्योंकि उनके बताए हुए रास्तों पे धीरे धीरे चलते जाना है, सब कुछ अपने आप मिलता जाएगा। तिवारी जी, सबने भी आपको आशीर्वाद दे के गए हैं जी, कैसा लगा आपको? मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे तो उनका स्वागत करने का मौका मिला, इससे बड़ी बात हमारे लिए कुछ हो ही नहीं सकती, मुझे बहुत अंदर से अनुभूति है, बहुत खुशी है कि इसी तरह उनका आशीर्वाद हम पर बना रहे। तारीफ भी की, हमने पूछा था थोड़े बारे भी करते थे, बस उनकी तारीफ हमारे लिए आशीर्वाद है, बस उनका आशीर्वाद मिला। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू आप सब।